महंगाई के असरात, रवां साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। इस साल ईद उल अज़हा पर 63,60,000 जानवरों की कुर्बानी की गई। पाकिस्तान डेयरीज एसोसिएशन ने उनके मुताबिक गुज़श्ता साल की नस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई है। महंगाई के असरात ईद कुर्बा पर भी वाजे, रवा साल कितने जानवर कुर्बान किए गए, तफसीलात सामने आ गई। इस साल ईद उल अज़हा जानवरों की कुर्बानी की गई। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल की नस्बत कुर्बानी में 28 से 30% कमी हुई। ईद पर कुर्बान किए गए जानवरों की मालियत 376 अरब रुपए बनती है। कुर्बानी में 20 लाख बछड़े, 35 लाख बकरे, 8 लाख दुम्बे और 60,000 ऊंट शामिल हैं। बीमारी की वजह से गाय बैल की 35 से 40% खालें जाया हुई हैं। इसके बाद नुकसान का अजाला करने के लिए गाय बैल की खाल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने आवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पिशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।